इंसान ही नहीं पशुओं में भी कैल्शियम की समस्या हो जाती है, और यही कैल्शियम पशुओं को किस तरीके से प्रभावित करता है और पशुपालकों की आय को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं और किन चीजों को देखकर पशुपालक भाइयों को सावधान हो जाना चाहिए, आज हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं एनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पशुओं के अंदर होने वाली कैल्शियम की कमी के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से इंसानों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इसी कमी के चलते उनके घुटनों में और हड्डियों में दर्द रहने लगता है या फिर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसी तरीके से पशुओं में भी समस्या हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि इसे समझा कैसे जाए, यानी कि अगर पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है तो उसे कैसे भापा जाए या फिर इस चीज की पहचान कैसे की जाए। अब हम विस्तार से इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि कैल्शियम की वजह से ही पशु दूध देना कम कर देता है, कैल्शियम की वजह से ही उसका बार बार गर्भपात भी हो सकता है, और ऐसे कई कारण हैं जो कैल्शियम की वजह से ही उत्पन्न होते हैं और पशुपालक भाइयों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए इससे पहले हम आगे चलें, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। पशुओं में कैल्शियम की कमी कब हो गई है या फिर कैसे हो गई है, इसके लक्षण कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पशु का गर्भावस्था है और प्रसव हुआ है हाल ही में, और वो प्रसव के तुरंत बाद ही अपनी गर्दन मोड़कर बैठ जाती है, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। या फिर पशु अगर गर्भावस्था के दौरान अक्सर बैठ जाता है फिर लड़खड़ा कर चलता है, तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही हो सकता है। इसके साथ ही अगर पशु को गर्भ नहीं ठहर रहा है या फिर वो गाभिन नहीं हो पा रहा है तो भी ये कैल्शियम की वजह से ही हो सकता है। जी हाँ, ऐसे कई कारण हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। अगर पशु लड़खड़ाते हुए चलता है या फिर पशु की हड्डियों के अंदर आपको कट कट की या फिर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, तो ध्यान रखिए ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि पशु को अच्छा आहार तक दिया जाता है, सारी चीजें खिलाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पशु पूरा दूध नहीं देता या फिर दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कैल्शियम की कमी। जी हाँ, अगर पशु दूध नहीं दे रहा है सही तरीके से तो आपको उसकी कैल्शियम की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जो बताते हैं कि कैल्शियम की कमी पशु के अंदर हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें और भी प्रभावित हो जाती हैं, जैसे रूमन की गति धीरे हो जाती है, उनका जो पाचन क्रिया है वो बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से पशुओं को बेहद नुकसान होता है, वो अच्छी तरीके से अपने खाने को भी नहीं पचा पाते। इसके अलावा फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की कमी भी जो अनुपात है वो हिलडुल जाता है, फिर बिगड़ जाता है, जिसके कारण अन्य कई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। ऐसे में पशुपालक भाइयों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और पशु के आहार से लेकर पशु की दिनचर्या में उसने क्या खाया, क्या पिया या फिर वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही पशु को स्वस्थ रखा जा सकता है। ध्यान रहे कि पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी पशुपालक को न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि पशुओं को हमेशा के लिए लाचार भी बना सकती है, इसलिए उन पर हमेशा ध्यान बनाए रखें। और अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उन्हें कैल्शियम के डोजेस दिलाएं और साथ ही उन्हें अच्छा आहार भी दें। अब मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बेहद काम आने वाली है, तो इसलिए प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। अब मैं एनिमल साथी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। धन्यवाद।